Hey guys, welcome to my channel, पूजा रोटी ब्लॉग। मैं पूजा आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ माई बर्थडे ब्लॉग। गाइस यस, रात को मैंने सेलिब्रेशन किया था, मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज दिया केक ला के। मैंने वो छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग साथ शेयर करती हूँ। एंड मैं अभी जस्ट मंदिर से आई, तो मैं मंदिर का भी छोटा सा वीडियो लिया है, बट दिन भर में जो होता है मैं आप लोग साथ आज शेयर करूँगी। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा मेरा बर्थडे ब्लॉग। आज है 3rd जनवरी, सो जनवरी की स्टार्टिंग में मेरा बर्थडे पड़ जाता है, फिर पूरा साल वेट करना पड़ता है। सबको सबका एक साल लगता है, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा ही, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है। बट एनीवेज, तो आज है मेरा बर्थडे, तो मैंने सोचा चलो आप लोग साथ एक छोटा सा ब्लॉग शेयर करती हूँ। एंड मैंने ड्रेस पहना, आप देख सकते हो, मैं फ़ोटो लगा दूँगी, फुल फ़ोटो अगर होगा तो लगा दूँगी। ओके, सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, सो चलो। सो ये केक मेरे हस्बैंड रात को लाए थे 12 बजे, और ये वेनिला फ्लेवर का था, मेरा फेवरेट, क्योंकि मुझे वेनिला पसंद है और रेड वेलवेट पसंद है, और भी एक दो फ्लेवर है जो बहुत पसंद है। कैमरामैन को सो अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया था, और मैं मंदिर गई थी, अपने घर के बगल में ही जो मंदिर है मैं वहीं पे गई थी। तो मैं ज़्यादा क्लिप तो नहीं ले पाई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों ना, जब कोई देखता है ना वहाँ, मैं वीडियो बना रही थी तो पंडित जी बहुत ध्यान से देख रहे थे, इसलिए मैंने बस छोटा सा क्लिप ले लिया, ज़्यादा नहीं लिया है। बट ठीक है, दर्शन कर लिया बहुत अच्छी तरीके से, बर्थडे वाले दिन तो दर्शन करना बनता था। फिर उसके बाद घर पे आती हूँ, चाय बनाती हूँ, आप देख सकते हो, और इस बार चाय थोड़ा सा फीका बन गया था, जो मैं अभी बता देती हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि चाय इतना लाइट क्यों था, क्योंकि थोड़ा लाइट पीने का भी मन था और थोड़ा ज़्यादा ही लाइट हो गया था, फिर मैंने दोबारा चाय पत्ती नहीं डाला। तो सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ही सिंपल से था, चाय और खारी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, टोस्ट हो चाहे खारी हो, एंड मुंबई में तो खारी बहुत चलता है, और ये नमकीन लिया है, और ये मैं अकेले नहीं खाने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में ही थे, तो वही खाने वाले हैं। और रात का जो वीडियो आपने देखा ना, तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कैमरा वैमरा ये सब उनको नहीं पसंद इसके लिए। लंच में मैंने बनाया था वेज पुलाव, आप देख सकते हो वेजिटेबल पुलाव, फिर कढ़ी और रायता, रोटी, और ये भाकरी है, ये बाहर से लाए थे मेरे हस्बैंड। सो यही था सिंपल सा लंच, तो अब चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। सो गाइस, सुबह से शाम हो गया है एंड काफ़ी अंधेरा भी हो गया बाहर, मैं लंच करने के बाद सो गई थी, एक मिनट में बैठ जाती हूँ। सो लंच करने के बाद मैं सो गई थी, अभी मैं उठी, फेस वॉश वॉश किया एंड दिया जलाया, शाम का टाइम हो गया, एकदम अंधेरा हो चुका है बाहर। अब मैं कहीं भी गई नहीं घूमने के लिए, मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं रहता है, बिजनेस वालों का तो यही है, टाइम ही नहीं रहता उनके पास। तो अभी देखो रात का क्या प्लानिंग है, शायद हम लोग डिनर करने के लिए बाहर जा सकते हैं। बर्थडे अभी ऐसा ही जाता है, पहले शादी के पहले काफ़ी धूमधाम से होता था, क्योंकि दोस्त यार सब आते थे, बट अभी कहाँ कोलकाता कहाँ मुंबई, इतना डिफरेंस हो गया है कि यहाँ पे इतना कनेक्शन ही नहीं किसी के साथ, तो कोई आता जाता तो है नहीं, तो बस मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे के लिए ही है, तो इसके लिए ऐसे ही जाता है। रात को उन्होंने सरप्राइज दिया, फिर मैं सुबह मंदिर चली गई, जिसका मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया है, वीडियो में मंदिर गई थी। और जब कुछ अच्छा स्पेशल तरीके से नहीं होता ना, तो फिर इतना ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता, बट ठीक है कोई बात नहीं, यही जिंदगी है, होपफुली धीरे धीरे सब बदल जाए, चेंज हो जाए। सो मेरा हाथ दर्द होने लगा, पकड़े पकड़े, काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ ना। सो चलो देखो रात का क्या प्लानिंग होता है, जो भी होगा मेरे हस्बैंड बताएंगे, तो उस हिसाब से मैं ड्रेस चेंज करूँगी, दूसरा पहनूंगी, एक ग्रीन कलर का और भी ड्रेस है जो मैंने हॉल वीडियो में शेयर किया है, तो वो पहनूंगी, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर डिनर करने के लिए, फिक्स नहीं अभी, देखो क्या होता है। सो गाइस आप देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ, ग्रीन कलर का ड्रेस पहना है पूरा मैंने। सो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था कि रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, तो वो बाहर ही है, तो वो मेरा वेट कर रहा है। तो मैंने रेड बहुत ही सिंपल सा मेकअप किया, बहुत ही लाइट सा, कुछ भी उतना खास नहीं, तो
तो अभी चलो चलते हैं बाहर, देखती हूँ कहाँ लेके जाते हैं। ओके जब ऐसे हाथ रख रही हूँ, क्लियरिटी अच्छा आएगा क्योंकि हाँ, वो लाइट का वो आता है ना। हाँ और फिर ऐसे हटा रहे हाँ देखो कैसा आ रहा है। तो लाइट का आता है ना वो। सो चलो चलती ही। क्या कर रही मेरा मेकअप अभी अच्छा। सो देखो कहाँ चलते तो एक चीज तो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैंने ब्लॉग प्रॉपर नहीं बनाया, क्योंकि कुछ स्पेशल हुआ ही नहीं। दिन भर घर में ही थे तो क्या ब्लॉग बनाती, या घर में मुझे ब्लॉग बनाना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है इसके वजह से। तो रात को डिनर करने के लिए बाहर जा रहे थे। ये है ये साईं बाबा का मंदिर, रास्ते में ही पड़ता है। मुझे मुझे बहुत मन था कि मैं साईं बाबा का दर्शन करूँ, तो अपने रास्ते में दिख भी गया मंदिर, तो मैंने बोला चलो दर्शन कर लेते हैं। सो फिर मैंने दर्शन कर लिया, मैंने छोटा सा वीडियो ले लिया कि रास्ते में ही हम लोगों ने दर्शन भी किया साईं बाबा का। ये आप देख सकते हो दूर से, मतलब कि गाड़ी में जब बैठे थे ना तब ये क्लिप लिए थे, बट ये आगे पीछे हो गया है। सो गाइस जा रहे थे, रास्ते में साईं बाबा का मंदिर पड़ता है, तो मेरा बहुत मन था दर्शन करने का और मैंने दर्शन कर भी लिया साईं बाबा का। ये प्रसाद आप सो उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट आ गए थे, आप देख सकते हो। और वेज रेस्टोरेंट आए थे क्योंकि ट्यूजडे था, ट्यूजडे को हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो इसके लिए वेज। और रेड वेलवेट केक मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बगल में जो सिस्टर बैठी हुई है वो मेरे हस्बैंड की कज़न सिस्टर है, तो वो भी आई थी, सरप्राइज दी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। एंड उनके दोस्त भी थे, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया, केक कटिंग किया, फिर उसके बाद ऑर्डर किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर ऑर्डर बहुत ही सिंपल सा किया था, वेज नूडल्स एंड पाव भाजी। मेरा फेवरेट है पाव भाजी, इसके लिए मैंने पाव भाजी ऑर्डर किया है। हम लोग को वो होता है ना प्रॉपर इंडियन थाली नहीं खाना था, थोड़ा सा अलग खाना था। सो फिर उसके बाद मंचूरियन, ड्राई मंचूरियन ऑर्डर किया था जो बहुत टेस्टी था। सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जहाँ हम लोग गए थे। तो फिर हम लोगों ने फटाफट वो खाया, फिर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उस वक्त मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया, फिर हम लोग निकल गए घर जाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो अब आप लोग को बाय बोल देती हूँ। सो कैसा लगा मेरा बर्थडे ब्लॉग, मैंने कोशिश किया कि आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।